नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों की चाल में चर्चा होने जा रही है यहां पे कृषि फसलों के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और हमारे एक्सपर्ट रविंद्र शर्मा जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनकी उन पर क्या राय है। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मांगेराम सीवी पर। रविंद्र जी, देख रहे हैं कि कैसा सीड का नवंबर वायदा 6486 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से 6500 के करीब है। आपको क्या लगता है कैसा सीड में ये जो 6500 के नीचे का जो दायरा है कब तक देखने को मिलता रहेगा और 6500 के ऊपर का ब्रेकआउट कब देखने को मिलेगा जहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिले? देखिए, कैस्ट्रो की बात करें तो कैस्ट्रो के चार्ट्स जो हैं इस टाइम पे दिखा रहे हैं वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हो रहा है प्राइसेस और अपर साइड में 60 to 50, 65, 20 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। ब्रेक करने पे नेक्स्ट जो ये प्राइस मूव कर सकता है वो है 66-40 की तरफ। चांसेस ज्यादा यही लग रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में हमें ये मूव देखने को मिलेगा और सपोर्ट रहेगा इसका 6400 जी। ये से रविंद्र जी बात करें अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल में भी देख रहे हैं कि 2500 के नीचे कारोबार दर्ज किया जा रहा है। हालांकि 2500 का लेवल टच करते करते रह जा रहा है बिनौला खल, हर बार ही देख रहे हैं कि 10 से 15 पॉइंट की दूरी हर बार मिस हो जाती है। आपको क्या लग रहा है अब यहाँ से बिनौला खल में ये जो 2500 का लेवल है कब तक अचीव हो पाएगा और आगे कितनी और तेजी देखने को मिल पाएगी अगर बिनौला खल में 2500 का लेवल अचीव हो जाता है तो? देखिए, कोकुड की बात करें तो कोकुड में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे, तो चांसेस यही लग रहे हैं कि यहाँ से अपर साइड में 25-10 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। ब्रेक करने पे प्राइसेस जो हैं ये 26-60 और 27-30 की तरफ मूव करेंगे। पोजिशनल यही लग रहा है कि अपर साइड यहाँ से देखने को मिल सकती है कोकुड में। सपोर्ट जो है ये 2400 के अराउंड है और जब तक ये प्राइसेस 2400 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि अपर साइड में 2660 को ब्रेक करके ये प्राइसेस जो हैं पोजिशनली 2800 और 2700 के लेवल को मूव कर सकते हैं जी। तो यानी कि बिनौला खल की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है लेकिन उनका 2500 के ऊपर निकलना बेहद आवश्यक है, तभी बिनौला खल की कीमतों में 2600-2700 और 2800 तक के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। यही से रविंद्र जी बात करें अगर मसाला पैक की तो मसाला पैक में देख रहे हैं कि कुछ बढ़त जीरे के अंदर और धनिया के अंदर बनती हुई नजर आई है। हालांकि हल्दी अभी भी सुस्ती के साथ ही कारोबार कर रही है। अब आपको क्या लग रहा है जिस हिसाब से धनिया और जीरे में अचानक से उछाल देखने को मिला है तो ये जो रैली है जीरे और धनिया में ये कहां तक एक्सटेंड हो सकती है? देखिए, जीरा की बात करें तो मैंने पहले भी आपके साथ जब बात हुई थी तो उस समय यही बताया था कि जीरा में बाइंग देखने को मिलेगी और जैसे जैसे दिवाली पास आएगी प्राइसेस जो है ये अपसाइड मूव करेंगे। अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका 15400 के आसपास है। ब्रेक करने पे नेक्स्ट रहेगा 15600 का और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 15600 से 15800 के पास जाके रैली थम सकती है और वहां से फिर सेलिंग विटनेस होगी जी। और वहीं धनिया की बात करें तो धनिया प्राइसेस में भी हमें अपसाइड देखने को मिलेगी, ज्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिल सकती इसमें क्योंकि प्राइसेस जो फंडामेंटल्स जो है वो प्राइसेस को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन टेक्निकल चार्ट पैटर्न से लग रहा है कि 8400 तक की इसमें हायर साइड देखने को मिल सकती है और नीचे में 8200 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे जी। ये सर रविंद्र जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो ग्वार में आपको क्या लग रहा है? देख रहे हैं कि ग्वार गम का नवंबर वायदा 12700 पर है, कुछ करेक्शन ग्वार कॉम्प्लेक्स में बनती हुई नजर आई है तेजी के बाद। अब देखिए, ग्वार की बात करें तो ग्वार में क्रूड प्राइसेस का रिफ्लेक्शन है लेकिन अभी क्रूड में सेलिंग जिस तरीके से हमने कल आती हुई देखी है तो चांसेस यही लग रहे हैं कि ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी हमें सेलिंग विटनेस करने को मिलेगी हायर लेवल से। ग्वार का इस समय 12900 के आसपास का रेजिस्टेंस है ग्वार गम का। वहीं ग्वार सीड की बात करें तो 6850 के आसपास का रेजिस्टेंस ये कमोडिटी होल्ड कर रही है। अगर ये ब्रेक नहीं करती है यहाँ से एक 2-3% की डाउनसाइड करेक्शन देखने को मिल सकती है जी। रविंद्र जी बात करें अगर सोयाबीन की तो सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है? देख रहे हैं कि पहले सोपा के आंकड़े हैं वो तो अभी हाल फिलहाल में यही कह रहे हैं कि जो सोइंग है सोइंग एरिया बड़ा है पहले के पिछले साल के मुकाबले और जो गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है वो सोपा से भी ज़्यादा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है क्योंकि देख रहे हैं कि जो फसलें हैं वो भी बेमौसम बरसात की वजह से काफ़ी ज़्यादा खराब होती हुई नजर आई है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है सोयाबीन का वायदा बाजार आगे कहाँ पर सस्टेन हो पाएगा? देखिए, इसमें गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू कर रही है कंटिन्यूसली कि
कितना स्टॉक लिमिट इसमें बाकी है और उसी हिसाब से एमएसपी जो है वो 3950 के अराउंड है इसका सोयाबीन का, तो चांसेस यही लग रहे हैं यहाँ से कि प्राइसेस जो है एक रेंज बाउंड टेरिटरी में मूव करेंगे। ज्यादा सेलिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी जब तक प्राइसेस, जब तक एक्चुअल डेटा मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अभी फॉर द टाइम बिंग एक रेंज बाउंड मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगी, 5100 के आसपास से ऊपर में 5300 की रेंज रहेगी और इसी रेंज में हम इसे ट्रेड करते हुए देखेंगे। लेकिन अगर 5100 के नीचे ये ब्रेक करती है तो सेलिंग जो है ये 4700 तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अगर रेंज में रहेगी तो एक रेंज में ही ट्रेड करने को ज्यादा देखने को मिलेगी। जी यहीं से रविंद्र जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है जिस हिसाब से प्रोडक्शन कम है और डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली डिमांड ज्यादा देखने को मिल रही है, तो कॉटन में आगे क्या नए लेवल्स देखने को मिल पाएगा, क्योंकि कॉटन में हमने एक रिसेंट हाइज भी बनते हुए देखे हैं। देखिए कॉटन में फिजिकल डिमांड जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से वो रिफ्लेक्शन प्राइस में भी दिख रहा है। आने वाले समय में भी यही लग रहा है कि प्राइसेस जो है ये अपवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कॉटन को भी देखें तो वो भी प्राइसेस अपसाइड ही मूव कर रहे हैं और उसी को सेम हमारे डोमेस्टिक कॉटन जो है ये रिफ्लेक्ट कर रही है। अपर साइड में इसका 32400 के आसपास का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ब्रेक करने पे नेक्स्ट रहेगा 32800 का, सपोर्ट रहेगा 31400 का। जी रविंद्र जी आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे एग्री कमोडिटीज में जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है आने वाले दिनों में भी? कुकुड को टाउन लेवल से थोड़ा सा बाय करके चल सकते हैं 2380 के आसपास से, स्टॉप लॉस रहेगा 2350 का, वहीं टारगेट कर सकती है अपर साइड में 2500 से 2600। जी और दूसरा हम यहां से मेंथा को बाय करके चल सकते हैं, मेंथा नवंबर को, मेंथा में चांसेस लग रहे हैं कि यहां से रिकवरी देखने को मिलेगी, 980 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 930 रुपए के नीचे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रविंद्र जी ने बताया कि मेंथा और कोकुड यानी कि बिनौला खाल ये दो कमोडिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर रिकवरी बन सकती है, निचले स्तर से खरीदारी निकल के सामने आ सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ से अभी खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में हमने सरकार द्वारा कई सारे एक्शंस लागू होते हुए देखे हैं। सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई, सरकार ने पोर्टल लॉन्च करें जहाँ पे मिल मालिकों को और जो रिफाइनर्स हैं उनको अपना स्टॉक के बारे में जानकारी अपलोड करनी होती है, सरकार ने वो भी लॉन्च किया। एडिबल ऑयल पर स्टॉक लिमिट भी लगा दी गई कि स्टॉक लिमिट रहेगी और ये जो राज्यों पर सौंप दिया गया है कि कौन कितनी स्टॉक लिमिट लगाएगा, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश स्टॉक लिमिट को लागू करने वाला, स्टॉक लिमिट तय करने वाला पहला राज्य बन गया है सरकार के फैसले के बाद से। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो अन्य राज्य हैं वो भी अब इसी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं और वो भी अब स्टॉक लिमिट लागू करने जा रहे हैं। कुछ राज्य अंतिम चरण में हैं और कुछ राज्य अभी इसके मिडल में हैं, उनका इस पर अभी काम चल रहा है स्टॉक लिमिट लागू करने के ऊपर। दूसरा अभी दिवाली जैसे आ रही है तो खाद्य तेलों की कीमतों को त्योहारी मांग का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि देखते हैं कि दिवाली पर खाद्य तेल से बने पदार्थों की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे नमकीन हो, बिस्किट्स हो, सभी इंडस्ट्रीज़ में ऑयल का यूज़ किया जाता है। और जैसे कि एक्सचेंज में जब गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को तो उसमें जो खाद्य पदार्थ बने होते हैं वो भी तले हुए होते हैं जो कि जिनमें तेल का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो ओवरऑल डिमांड अभी जो तेल की है काफ़ी अच्छी रहेगी दिवाली पर, और जिसकी वजह से खाद्य तेलों की कीमतों में अभी त्योहारी मांग के चलते एक तेज़ी देखने को मिलती रहेगी। लेकिन जिस हिसाब से सरकार खाद्य तेलों पर एक्शन एक के बाद एक ले रही है उससे किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार ने MSP भी बढ़ाई है किसानों के लिए, किसानों का भला भी किया है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी राहत देने के लिए सरकार का फैसला है कि खाद्य तेलों की कीमतें कम की जाए, क्योंकि खाद्य तेल की कीमतें हम देख रहे हैं कि पहले से ही ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई है, खास करके सरसों तेल की। सरसों तेल में हमने देखा है कि सरसों तेल की कीमतों में हमने देखा है कि जो कीमतें हैं वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई हैं, 200 रुपये लीटर के पार जाती हुई नज़र आई हैं। तो सरसों तेल की जो कीमतें हैं अभी आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं अगर सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि देख रहे हैं कि सरसों तेल का जो स्टॉक है, सरसों दाना का जो स्टॉक है देश के अंदर, वो महज 10 से 12 लाख टन का ही रह गया है, जिसकी वजह से 10 से 12 लाख टन का ही रह गया है जिसकी वजह से जो
और जो किसान भी हैं वो भी अपनी सरसों रोक रोक कर ला रहे हैं, या फिर कई किसानों ने अपनी सरसों स्टॉक कर ली है, जिसकी वजह से सरसों की किल्लत महसूस की जा रही है एक बार फिर से, और जो कई पेराई मिले हैं वो भी बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सरसों की जो कीमतें हैं वो तेज देखने को मिल सकती हैं। और दूसरा, सरसों की जो फसल है उसको आने में 1 से 1.5 महीने की देरी लग सकती है, क्योंकि सरसों की जो बुआई है इस समय लेट हुई है, मौसम एक बार फिर से बदलता हुआ नज़र आया था, बारिश हो गई थी, किसानों को बुआई फिर से शुरू करनी पड़ी, जिसकी वजह से सरसों की नई आवक होने में देरी हो सकती है। तो ऐसे में सरसों की जो डिमांड है वो बनी रहेगी और जो कीमतें हैं वो भी तेज़ होती रहेंगी अभी हाल फिलहाल के अंदर, जब तक नई सरसों मंडियों में नहीं आ जाती है। और नई सरसों जब मंडियों में आती है तो पुरानी सरसों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि नई सरसों की आवकों में देखते हैं कि नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और पुरानी की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो कुछ किसानों ने जो सक्षम है सरसों रोकने में, उन्होंने अपनी सरसों को होल्ड करके स्टॉक करके अभी रखा हुआ है, और अभी सरसों की कीमतों में तेजी ही देखने को मिलती रहेगी आने वाले दिनों में। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल बाजारों की चाल में बस इतना ही। नमस्कार।